हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मेरा आप सभी अच्छे होंगे गाइस। और आज है मंगल और कल का दिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि परसों हम सद्दा से घूम के आए थे, तो इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई, इतनी ज्यादा मतलब कल परसों रात को तो मेरे से एडिट भी नहीं हो पाई ठीक से, ना तो वो मैंने वीडियो डाल पाई ना ही कल मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड करी है, ना ही कल कोई वीडियो एडिट करी है। और आज उस वीडियो के एडिट तो कर लिया, अभी उसकी फिनिशिंग वगैरह कुछ नहीं है। वैसे तो वीडियो शाम को 8 बजे ही आएगी, कल का एक दिन स्किप हो गया। और अभी भी मतलब ब्लॉग बनाने का मन था नहीं, लेकिन मैंने कहा यार कंटिन्यू करना था तो कर लेते, क्योंकि कल तो चलो तबीयत खराब थी तो इस वजह से ज्यादा कुछ किया नहीं, लेकिन आज तो ठीक है थोड़ा सा। और फिलहाल मेरा एक काम कल हो चुका है, मैंने आपको वीडियो दिखाई नहीं, कल मैं बहुत सारी नहीं मतलब नॉर्मल शॉपिंग करके आई हूँ। अब कुछ कपड़े लेके आई हूँ और मैं अपने शूज भी ले आई, तो शूज भी अभी पहन के जाएंगे। अभी टाइम हो रहा है 9 और ब्लॉग मैंने इसलिए स्टार्ट कर दिया क्योंकि दुकान में मैं बैठी हुई हूँ, पापा जी अभी गए हैं मंदिर, पापा जी का आने का वेट कर रहे हैं, पापा जी आएंगे फिर हम अपने ऑफिस के लिए निकलेंगे। और आज कुछ और भी काम है, पापा जी ने आज मेरे को कुछ काम दिया है तो जाके वो वाला काम देखना है। और अभी हमारे पीलू पीलू बाहर घूम रहे हैं, उनको भी खाना पीना अभी उनको भी नहीं दिया मैंने, बस वो घूम ही रहे हैं जब से बहुत देर से वेट कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल हम इलू पीलू को खाना देने चलते हैं और उसके बाद दिन की शुरुआत करते हैं कुछ और, जब तक पापा आते हैं फिर चलते हैं ऑफिस। हमारी इलू पीलू तो एक वहाँ घूम रहा है एक वहाँ है, जब तक वो वहाँ है जब तक इसको खिला दो बेचारे उसके चक्कर में ये रह जाता है। पीलू इलू इधर आओ, उधर आंटी ने साफ कर दिया, इधर आओ। हाँ वही तो, ये रह जाता है वही तो, वो परेशान करता है इसको, रोड के बीच में जाके बैठ गया। इधर आ जाओ, वो खा भी नहीं पाता ना इसी चक्कर में, जब से वो आया ना जब से तो और ज्यादा सूखा सूखा सो रहा है। हाँ तुम इधर आओ, गाड़ी सीख रहे, गाड़ी सीख रहे हैं वो, उधर वो गाड़ी सीख रहे हैं यार। इधर ले ले, इधर खाओ, इधर ये वाला भी खा लेना ठीक है, ये वाला भी खा लेना। वो आ गया, मैंने कुछ नहीं दिया उसको, कुछ नहीं दिया मैंने उसको, कुछ नहीं दिया उसको मैंने, कुछ दिया ही नहीं उसको, कुछ दिया ही नहीं उसको, कुछ दिया ही नहीं। देखो उधर है, उधर देखो, उधर देखो, उधर है, उधर डरा दे बग गया, रह गया वो, रह गया वो चला गया बेचारा, वो बेचारे चला गए थे। तू खा मेरा तो बच्चा यही है, मेरा तो अच्छा बच्चा यही है ना, मेरा तो बच्चा यही है। देखो देखो इधर आ गया, अब तू खा ले आराम से, अब क्या दिक्कत है, मेरा तो बच्चा यही है, मेरा तो यही वाला है, मुझे तो यही अच्छा लगता है। वही है वो खाओ, चल जाओ चल, इसे खाओ, इसे खा लो, इसे खा लो। बेचारा बच्चा जब से आया जब से सूख गया इसके चक्कर में, इसके चक्कर में चुपचाप से खिलाना पड़ता, चुपचाप से पूरा रास्ता तो तुमने गंदा कर दिया हैं? हैं? पूरा रास्ता तो तुमने गंदा कर दिया, पूरा रास्ता तो तुमने गंदा कर दिया, खा लो चुपचाप से खा लो, ये नहीं चाहिए, वही खाओ उसके बाद तुम करो, जल्दी खाओ जल्दी जल्दी जल्दी। ए उसके पास कुछ नहीं है, ए उसके पास कुछ नहीं है, ए बताओ अभी, बताओ अभी, खाने दो उसको, खाने दो उसको। बेचारा मेरा बच्चा लग गया, तुम्हारा भी रस रखा है वहां पे ठीक है, उसको भी खा लेना, उसका जरूर छीनना है, उसके मुंह से निकाल के खाना है मतलब, है ना। खा लो तुम्हारा से, इसको भी लगा लिया अपना बैग और अपने खोलते हैं शूज, ये है मेरे नए शूज, अब इन वाले शूज को करेंगे बाय बाय, अब हम ये वाले पहनेंगे,
रहे मेरे शूज, अब इनको पहनते हैं। अरे यार शूज से याद आया मेरे सॉक्स भी हैं। ये सॉक्स भी लेके आई हूँ, अब इनमें से कौन सा वाला पहनूँ ये देखती हूँ। ब्लैक भी है इसमें, तो वैसे यही पहन लेती हूँ। ये जींस है, ये पहन लेती हूँ, इसको हटाती हूँ, इसको रखते हैं। अब हम मैचिंग मैचिंग यही वाला सॉक्स पहनेंगे, अभी वाला सॉक्स उतारेंगे। बहुत हो गया कलरफुल सॉक्स पहनते पहनते, अब नहीं पहनूंगे कलरफुल सॉक्स। फाइन शूज भी पहन लिए और अपना रेडी भी हो गए। बाल मैंने आज थोड़े से रोल कर लिया, लेकिन ना बाल बहुत बेकार से लग रहे हैं। नमस्ते जिम्मी, इम्मी सब उधर है, इतने में निकल जाते हैं। Later that same evening. तो फिलहाल गाइस 8:30 हो चुके हैं और मेरी वीडियो जो है आ चुकी है। मेरी वीडियो पे ही काम कर रही थी, तो फिलहाल वीडियो अपलोड हो चुकी है और मैं आ चुकी थी अपने टाइम से घर। और अभी बना है बर्गर, दादा ने बनाया और देखो कितना बड़ा बर्गर बनाया। उस दिन जो बैठ के खा रही थी ना इतना बड़ा बर्गर, ये वैसे ही बर्गर है। और आज इतने बड़े बड़े बर्गर बनाए हैं, ये देखो यार। ये है पूरा 150 रुपया देंगे वाला बर्गर और इसको अभी खाएंगे हम। लेकिन ये बहुत ज्यादा बड़ा है, इसको कट करना पड़ेगा, उसके बाद खाते हैं। और फिलहाल आज जो पापा ने जो काम दिया था वो अभी काम पूरा हुआ नहीं है, किया भी नहीं है, गई भी नहीं मैं बात करने के लिए, बस सर से ही बात करी थी। और आज अभी मैंने कोई काम किया भी नहीं है क्योंकि आज मेरा खुद का भी काम है, क्योंकि 2 दिन से मेरे सर में दर्द था, इस वजह से मैंने वो काम भी नहीं कर पाया। ऊपर से वाईफाई भी नहीं चल रहा था हमारा, तो अभी वो काम करने होंगे। भाई अभी 10:30 बजे है और अभी ऑलमोस्ट मेरा वाला काम जो है, मतलब जो मेरा वाला काम था वो खत्म हो गया, अभी दूसरा वाला काम चल रहा है, तो वो तो अभी चलता रहेगा फिलहाल। और अभी मैं जा रही हूँ लड्डू गोपाल जी के कपड़े बनाने के लिए, क्योंकि वो मेरा बहुत दिन से मन था कि मैं बनाऊं, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा। और मैंने सोचा था संडे को बनाऊंगी, बट संडे को तो मैं सर्द ना चलेगी तो मैं बना ही नहीं पाई। तो अभी फिलहाल मतलब तबीयत खराब थी ना कल परसों, तो नींद मेरी पूरी हो चुकी है, तबीयत खराब है, मैंने नींद पूरी कर ली, तो अभी नींद थोड़ी ठीक सी है। तो काम चलता रहेगा, तो काम करते करते साथ में ये भी बना लूंगी। और मैं आपको दिखाती हूँ हमारे घर में भी कितनी सारी ड्रेस हो चुकी है लड्डू गोपाल की। ये वाली ड्रेस है एक, तो जो मम्मी ने बनाई है इस तरीके की है। एक ड्रेस ये है, उसके अलावा एक ड्रेस है ये कुछ इस तरीके की है, ब्लू एंड वाइट, ये भी बहुत प्यारी है। इसके अलावा एक मम्मी ने ये बनाई है, इसमें मोती है और इसमें कैप भी है, ये कैप भी बहुत अच्छी लगती है। और ये मोतियों की वजह से ना काफी सुंदर लग रही है कान्हा जी की पार्टी वेयर वाली। और इसके बाद है ये, और इसमें भी कैप है, और ये पिंक और येलो कलर का है, तो ये भी काफी अच्छा लग रहा है। और ये एकदम लाइट कलर आ रहा है, मतलब बहुत सुंदर सा लग रहा है, इसका कलर देखने में काफी सुंदर है। तो अभी फिलहाल मैं इनको रखती हूँ साइड में। ये वाली जो ड्रेस है ना, ये थोड़ी मतलब फ्रॉक टाइप में है, ये सारी ड्रेस फ्रॉक जैसी है, तो मैं जो बनाऊंगी ना वो थोड़ी सी अलग होगी। वो बच्चों की आपने ड्रेस देखी होगी ना, मुझे उसका नाम नहीं पता उनको क्या बोलते हैं, बच्चों की यहाँ से जो पट्टी टाइप में निकलती है और जो पेंट में जो अटैच होती है ना, कुछ इस टाइप की ड्रेस है, तो वो वाली बनाऊंगी मैं। तो फिलहाल देखते हैं वो कैसे बनेगी। बाकी क्रोशे चलानी तो मेरे को आती है, मम्मी ने सिखाई थी पहले कभी बचपन में तो उतनी आती है, वो ज्यादा थोड़ी बहुत चीजें मतलब कर रखी है पहले, हमने थोड़ी थोड़ी चीजें तो मतलब सीखी है, लेकिन धीरे धीरे टाइम के हिसाब से सब अपने अपने कामों में लग गए इधर उधर, तो इन चीजों के लिए कभी टाइम ही नहीं मिला, कभी सोचा ही नहीं, करा ही नहीं, बट सीखा सब था। दादी ने हमें सिलाई सिखाई थी, सिलाई मतलब बुनाई जो होती है वो सिखाई थी, तो क्रोशे मम्मी ने सिखाई थी। तो फिलहाल अभी ट्राई करते बना के देखती हूँ और आपको दिखाती हूँ कैसी वाली बनेगी, और फिर मुझे बताना कि इनमें से आपको कौन सी वाली ड्रेस अच्छी लग रही है। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी सारी वीडियो अच्छे से, तो आप मेरे को फिर बताना कौन सी वाली ड्रेस ज्यादा अच्छी लग रही है। 3 hours later मेरा जो काम था वो अब हुआ है कंप्लीट, क्योंकि ना नेट नहीं चला ना, इस वजह से काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो रात को 12 बजे का वेट करना पड़ता है, अपने मोबाइल के डेटा से ही वो सारा काम करना पड़ रहा है। तो फिलहाल अभी वो काम हो चुका है और अभी मैंने ये कुछ भी नहीं बनाया, मतलब मैंने बना लिया थोड़ा सा मतलब बना लिया, लेकिन मेरे को साइज में थोड़ी दिक्कत से आ रही, तो मम्मी से पूछना पड़ेगा कि वो पहले कितने बड़े हैं वो, तो उस हिसाब से फिर उनकी ड्रेस बनाएंगे। तो अभी मैंने आधा अधूरा बना दिया, कल बनाएंगे। तो अभी फिलहाल गाइस ये वाली व्लॉग की एंडिंग मैं यही करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इसको लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब भी कर देना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय।